जय हिंद दोस्तों, मैं ईशान चौरसिया, टू टाइम नेशनल यूनिवर्सिटी एथलीट एंड हाई जंप लॉन्ग जंप स्टेट प्लेयर गोल्ड मेडलिस्ट एंड कंटिन्यू टू नेशनल प्रिपरेशन। स्वागत करता हूं आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल फिट स्पोर्ट्स में। तो दोस्तों, आज हम वीडियो लेके आए हैं शॉर्ट पुट पे महाराष्ट्र पुलिस के लिए। तो जिसका 8.5 मीटर शॉर्ट पुट नहीं जा रहा है, उसके लिए मैं कुछ बेसिक जानकारियाँ और टिप्स और टेक्निक और माइंडसेट के बारे में बात करने वाला हूँ, जिसके वजह से आपका गोला इजिली 9 मीटर तक चला जाएगा। केवल दोस्तों आप इसको 10 से 15 दिन प्रैक्टिस कर लोगे तो आप इजीली 9 मीटर तक गोला फेंक लोगे। तो दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों मैं एक शॉर्ट पुट करके दिखा दे रहा हूं, क्योंकि मेरा 8.5 मीटर जा रहा है कि नहीं आपको बिलीव हो जाए, ठीक है। तो मैं एक शॉर्ट पुट कर दे रहा हूं। तो देखो दोस्तों, सबसे पहले हम आपको शॉर्ट पुट का कुछ बेसिक नॉलेज दे दे रहा हूँ। तो ये 7 फीट का एक सर्कल होता है जिसका रेडियस 1.2 मीटर होता है, ऐसे करके क्रॉस नहीं करना होता है किधर में भी। तो दोस्तों फर्स्ट मैं आपको एक्सरसाइज के बारे में बता दूँ, जिसके कारण आपको रिस्ट में, फोरआर्म्स और शोल्डर में पावर आ जाए, जिसके कारण आप इजिली गोला 9 मीटर फेंक सको। तो देखो दोस्तों, सबसे पहले मैं जो एक्सरसाइज बता रहा हूँ, इससे आपका जो जर्क नहीं जाता है, पावर जनरेट करते हो उस टाइम जर्क नहीं जाता है और जिसके कारण गोला आगे नहीं जाता है, उसके लिए मैं बतला रहा हूँ। उसके लिए क्या करना है आपको, सिंपल अपना पोस्चर इस तरीके से कुछ कर लेना है, ठीक है, ये करके, और कोशिश करना है ये और ये करके और रिलीज करो इस तरीके से, जिससे क्या होगा कि आपका जो जर्क नहीं जा रहा है उससे जर्क जाएगा। देखो कैसे करना है। तो दोस्तों कुछ इस तरीके से परफॉर्म करने हैं आपको, मैं एक बार और करके दिखा दे रहा हूँ और फोरआर्म्स में पाँव रहेगा। तो मैं आपको एक और करके दिखा दे रहा हूँ किस तरीके से करना है। तो इस तरीके से परफॉर्म करने हैं आपको। तो सेकंड है दोस्तों, आपको फोरआर्म्स में बहुत ज़्यादा पावर होना चाहिए, क्योंकि जब रिलीज होता है गोला ऐसे तो फोरआर्म्स ही पावर जनरेट करता है। तो उसमें आपको जर्क के लिए फोरआर्म्स में पावर होना बहुत ज़रूरी है। तो उसके लिए एक शॉप पे इजिली ये वाला अवेलेबल होता है, आप कहीं से भी ले सकते हो ऐसे करके। मुझको इसके बारे में नाम पता नहीं है क्या है, लेकिन ऐसे करके मिलता है, आप जाके शॉप से पूछ सकते हो, वहाँ पे मिल जाएगा। तो इसको आपको 100 टाइम 200 टाइम करना है, ऐसे ऐसे आपको प्रेस करना है। ऐसे करोगे तो आपका फोरआर्म्स और रिस्ट में पावर आएगा, तो इससे गोला आगे बढ़ेगा। तो देख लो दोस्तों इस तरीके से है, इसको इजिली आप अवेलेबल करा लेना। तो इसको करोगे तो आपका गोला 10 दिन में इजिली बढ़ जाएगा, आप ट्राई करना इसको जरूर। जो थर्ड है वो क्या करना है मैं बतला दे रहा हूँ। जैसे आपका ये गोला 7 kg 260 ग्राम ऐसे करके होता है, तो आप कोशिश करना 8 या 8.5 kg का एक बड़ा सा पत्थर या गोला अवेलेबल होगा तो गोला ले लेना। तो उससे आप जब जर्क करोगे, उससे आप जब शॉर्ट पुट करोगे, तो गोला आपका अगर 7 मीटर भी जाएगा, तो जब नॉर्मल वेट के गोला इसको लेके करोगे तो वो आपका आगे जाएगा। तो मेरे पास वो अवेलेबल नहीं है, नहीं तो मैं आपको करके दिखा देता, क्योंकि मेरे पास वो पत्थर नहीं है। तो आप उसको जरूर ट्राई करना। तो इसके लिए, इसके रिगार्डिंग मैं आपको कुछ एक्सरसाइज और वार्म अप बता दे रहा हूँ किस तरीके से करना है। तो सबसे पहले आपको कुछ वार्म अप करना है गोला फेंकने से पहले। तो वार्म अप किस तरीके से करना है मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, क्योंकि मैं चाह रहा हूँ कि वीडियो लंबा ना हो, इसलिए मुझको थोड़ा जल्दी में बोलना पड़ रहा है और जल्दी में दिखाना पड़ रहा है, तो आप कॉम्प्रोमाइज करना थोड़ा। हाँ, तो दिखा दियो। तो देखो दोस्तों, सबसे पहले आपका ग्रिपिंग इस तरीके से कुछ रहेगा और ऐसे पकड़ के आपको और हल्का बैंड हो जाना है, नी को बैंड करके पीछे में गोले को फेंकना है। जैसे देखो मैं दिखा रहा हूँ इस तरीके से। दोस्तों कुछ इस तरीके से परफॉर्म करने हैं, और एक और मैं करके दिखा दे रहा हूँ। तो देखो दोस्तों, जो सेकंड एक्सरसाइज है किस तरीके से करना है मैं बता रहा हूँ। सिंपली गोले को इस तरीके से पकड़ लेना है। तो देखो किस तरीके से पकड़ना है, ऐसे करके अपना ये पकड़ लेना, ठीक है, और हाथ को इस तरह से घुमा देना, ठीक है, ऐसे, और हल्का ये नी बैंड कर लेना है ऐसे, और ऐसे करके ऐसे फेंकना, ठीक है। तो दोस्तों हमने शॉर्ट पुट पर ऑलरेडी एक वीडियो बना रखी है जो 17 मिनट की है, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, जाके वहां से। तो दोस्तों यही थी आज की हमारी वीडियो। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत।